हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए फ़िश पकौड़े की रेसिपी बनाकर लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको फ़िश पकौड़े की रेसिपी बताऊंगी। और इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के आप इस तरह से फ़िश पकौड़े की रेसिपी बना सकते हैं। सबको बहुत पसंद आई है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। तो आप इस तरह से ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें। 1 किलो मैंने ये वाली फ़िश ले ली है, आप कोई भी फ़िश यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने 1 कांटे वाली फ़िश ली है। और ये मैं आधी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ, आधी चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है, आधी चम्मच ही मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डाल रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। 3 चम्मच के करीब मैं इसमें बेसन डालूंगी। फ्रेंड्स, मैं बड़ा चम्मच ले रही हूँ, इस टाइप से 3 चम्मच हमने बेसन डाल दिया है। 2 बड़े चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही क्रिस्पी हमारी फ़िश बनकर रेडी होगी। और इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे अच्छे से कोट कर लूँगी फ़िश में। और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा नमक कर सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। 2 बड़े चम्मच मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस तरह से मैं अच्छी तरह से अपनी फ़िश को, जो हमारा बेसन और कॉर्नफ्लोर का पेस्ट है, उसमें कोट कर लेंगे। उससे पहले मैंने 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का दरदरा कूट कर पेस्ट डाल दिया। आप चाहें तो मिक्सी ग्राइंडर में भी अपने पेस्ट को रेडी कर सकते हैं। तो हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से बैटर रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर बारी आती है नींबू डालने की, तो मैंने आधा नींबू डाल दिया है। इससे बहुत ही टैंगी फ्लेवर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। फ्रेंड्स, तो हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। आपको लो फ्लेम पर नहीं पकानी है अपनी फ़िश को, मीडियम फ्लेम पर ही हम अपनी सारी फ़िश को पकाएंगे। और इस तरह से आप जितनी भी आपकी फ़िश एक बार में आ सके, तो इस तरह से आप डालकर पका सकते हैं। और देखिए कितने अच्छा कोट हो चुका है। तो इस टाइप का आपको बैटर बनाकर रेडी करना है, जिससे आपकी फ़िश अच्छी तरह से कोट हो जाए पकौड़े की तरह। तो देख सकते हैं 1 मिनट हो चुका है। तो 1 मिनट बाद मैं इस तरह से पलट लेती हूँ इनको। इस तरह से हम इसे पलट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरह से हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। हमें जब तक ही पकाना है, जब तक हमारा जो बेसन है वो अच्छी तरह से पक ना जाए। हमारी फ़िश तो बहुत ही आसान से जल्दी से पक जाएगी फ्रेंड्स। और देख सकते हैं अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, और देख सकते हैं हमारे पकौड़े बिल्कुल अच्छी तरह बन चुके हैं फ़िश के। तो अब इसकी प्लेटिंग करने की तैयारी आ गई है। तो हम देखिए प्लेटिंग कर चुके हैं। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर फ़िश पकौड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। फ्रेंड्स, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के मैं आपको फ़िश पकौड़े बनाकर रेडी किए हैं। और आप देख सकते हैं इस तरह से आप भी अपने घर पर बना सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।